रंग गया बिहार पंचायत चुनाव के रंगों में। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा और मुरौल प्रखंड में मतदाता किसे पहनाएंगे जीत का चेहरा। नमस्कार, आप देख रहे वी न्यूज 24, मैं हूं दीपक कुमार। पेश मुजफ्फरपुर बिहार से उमा शंकर गिरी की रिपोर्ट। बिहार पंचायत चुनाव 2021 के तीसरे चरण के चुनाव को लेकर 22 सितंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 25 सितंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा और 27 सितंबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। 27 सितंबर को ही उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया जाएगा। 8 अक्टूबर को मतदान के बाद प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम और मतदान पेटी में बंद हो जाएगा। तीसरे चरण के मतदान के परिणाम की घोषणा 10 और 11 अक्टूबर को की जाएगी। मुजफ्फरपुर जिले में होने वाले तृतीय चरण के पंचायत चुनाव को लेकर आज दूसरे दिन भी महिला और पुरुष उम्मीदवार ने नामांकन पत्र भरा। अब देखने वाली बात यह है कि 10 और 11 अक्टूबर को किसको मिलेगा जीत के सेहरा और किसे मिलेगा हार का माला। पति किस पद के लिए नामांकन किए हैं? कौन सा पंचायत से? क्या नाम हुआ अपना? आपका चुनावी एजेंडा क्या रहेगी? क्या नाम? किस पंचायत के लिए नामांकन दिया गया? किस पद के लिए? नगर पंचायत। कौन सा पद के लिए? मुखिया पद के लिए। क्या नाम हुआ आपको? चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह। आपकी विकास एजेंडा क्या होगी पंचायत के विकास के लिए? एजेंडा क्या रहेगा? मेरा एजेंडा रहेगा कि गरीबों के लिए हमेशा न्याय और सभी काम के लिए आगे रहना। एक बार फिर अपना परिचय बताइए तो। मेरा नाम गुलाम गौस, जगदीशपुर नगरी, वार्ड संख्या 9 से मैं पद पे इस बार चुनाव लड़ रहा हूँ। किस पद के लिए नामांकन हुआ है? मुखिया पद के लिए। कौन सा पंचायत से? कामपुर के। क्या नाम हुआ अपना? सविता देवी। आपका चुनावी एजेंडा क्या रहेगी? मेरा चुनावी योजना है, 20 साल से पंचायत प्रतिनिधि है, इस बार मुखिया के कैंडिडेट कर रहे हैं। मुखिया पद के लिए किस पंचायत से? अम्बरपुर पंचायत से। क्षेत्र संख्या 4। आपका एजेंडा क्या रहेगा? एजेंडा सामाजिक समरसता के देखते हुए हमारे जो क्षेत्र है वो बाढ़ पीड़ित, बार बार बाढ़ से मतलब ग्रसित हो जाते हैं, तो मेन उद्देश्य है मेरा किसान के विषय में तो ज़्यादा लेकर जोरदार ताली से स्वागत कीजिए भाई आपको। किस पद के लिए नामांकन किया गया है? कौन सा पंचायत है? पंचायत जी, अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम जयंती देवी हुआ, रामपुर कृष्ण पंचायत से हूँ। 8 नंबर की वार्ड पद से नामांकन किए हैं और मेरा उद्देश्य यही है कि रामपुर कृष्ण में 8 नंबर वार्ड का विकास हो और 8 नंबर वार्ड का ही नहीं पूरे पंचायत का विकास हो। मैं आज शपथ लिए चुनावी एजेंडा आपकी क्या होगी? देखिए 15 साल से इस पद पर हम वर्तमान में हैं वहाँ, और समाज की समरसता के साथ विकास मुख्य एजेंडा है और आगे भी कायम रहेगा। परिचय देंगे। राजेश कुमार, जगदीशपुर बघनगरी। किस पंचायत से आप नामांकन हुआ है? पद क्या है? क्या नाम हुआ अपना? आपकी भी चुनावी एजेंडा क्या होगी? क्या बोले? आपका चुनावी एजेंडा क्या होगा? खड़े हुए हैं, आखिर आपका मुद्दा क्या होगा? सुष्मिता, हमारे प्रेजेंट और मुखिया भी रह चुके हैं, किसी हिसाब से पूछिएगा। और बीते 5 साल में भी आप मुखिया कार्यपाल को देखे हैं, आपसे जनता कितना खुश है? जनता तो उनसे बहुत खुश है। एक आपका प्रस्तावक कौन है? ललित कुमार है। नाम बताइए। ललित कुमार। क्षेत्र संख्या क्या है? 27। किस पद के लिए नामांकन किया गया? मुखिया पद के लिए नामांकन है हमारी पत्नी सपना कुमारी का, रामपुर पंचायत क्षेत्र संख्या 1 से हमारी पत्नी खड़ी हुई है।
हमारा दूर दूर तक राजनीति से कहीं कोई वास्ता नहीं था, लेकिन इस क्षेत्र में हम इसलिए आए हैं कि काफ़ी ग्रामीण इलाके में भ्रष्टाचार है, काफ़ी गरीब जो लोग हैं जो लाचार हैं उन तक मतलब उनका जो हक है वो नहीं पहुंच पा रहा है। तो हमारे जो ग्रामीण हमारे जो गार्जियन हैं उन लोगों ने कहा कि इस क्षेत्र में आना चाहिए और हम सब जाके इस क्षेत्र में आए हैं और हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार को अपने गांव से लेके अपने समाज से लेके और प्रखंड तक भ्रष्टाचार को मिटाना है। और जो भी है जहाँ भी भ्रष्टाचार है हम जिले स्तर पर भी खड़े रहते हैं लोगों के लिए। तो हमारी पत्नी इसलिए मुख्य हमारा उद्देश्य है कि गरीब से गरीब जो लोग हैं उनका हक उनको मिलना चाहिए। कल हम गए एक महिला चुनाव प्रचार के दौरान, एक महिला थी जिनका हस्बैंड मर चुके थे, उनका उनके पति मर चुके थे और उनको न इंदिरावास न वृद्धावस्था पेंशन और न विधवा पेंशन। तो ये बहुत ही दुखद बात है, इसीलिए हम लोग आगे। जी अपना परिचय बताएं। सुजीत कुमार मुखिया प्रत्याशी का परिचय दिया जाए। सपना कुमारी है, रामपुर पंचायत से हमारी पत्नी है, ये मुखिया प्रत्याशी केंद्रीय वर्तमान मुखिया भाई राजेश कुमार मिश्रा जी अपना नामांकन किए हैं और ये 15 साल से निरंतर मुखिया है। और सबसे बड़ी बात इसमें खासियत है कि पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त बना करके रखी और विकास हर स्तर पर समाज के हर तबके के लोगों को बराबर का सम्मान दिए। आज मेरे पंचायत में जगदीशपुर बनगी पंचायत में कोई ऐसा सड़क नहीं है, कोई ऐसा गली नहीं है जहाँ नल जल से लेकर के ग्रामीण सड़क और मुख्यमंत्री सड़क जो है इनके द्वारा नहीं निर्माण कराया गया। आज हमारे यहाँ का जनता जो है किसी भी छोटा या बड़ा काम के लिए उसको दौड़ करके प्रखंड विकास पदाधिकारी या सीओ के पास नहीं आना पड़ता या किसी तरह के भी शिकायत लेकर एक खुद 24 घंटा मोटरसाइकिल लेकर के जो है हर व्यक्ति के पास जाते हैं, महिला हो पुरुष हो बच्चे हो और किसी भी तरह के परिवार में घटना दुर्घटना होती है तो वे वहाँ पर जो है उपस्थित रहते हैं। संजय पासवान पूर्व विधायक प्रत्याशी। यहाँ हम लोग 5 तरह की टीम बना हुआ है, सभी जगह गाड़ी को आवागमन को रोकने के लिए 5 जगह डिपुटेशन है और हम लोग अपने स्तर से जितना जहाँ तक हो सके हम लोग शांति व्यवस्था करके फोर्स का व्यवस्था करके हम लोग करवा रहे हैं। शांति ढंग से हो रही है, अभी तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।